खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आज खुदावंद का जलाल हमने यहाँ पर महसूस किया। महसूस नहीं किया था, है बिल्कुल। और भाई ने भी जो बीच में बातें की हैं वो भी हमारे लिए भाई से बरकत है। हम हवाला पढ़ेंगे कलाम में से, यशायाह नबी के सहीफे में से, नौवें बाब में से। नौवां बाब और उसकी छठी सातवीं, बल्कि सिर्फ छठी पढ़े, सातवीं भी पढ़ दें। इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप सलामती का शहजादा होगा। आमीन। आगे आगे भी पढ़ो। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलकत पर आज से अपर तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे कयाम बख्शेगा। रब्बुल अफवाज की गयूरी ये करेगी। आमीन। खुदावंद का कलाम पाक पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की आमीन। आज हम इसी हवाले को सीखेंगे। ये जो छठी आयत है, यशायाह नबी नौवें बाब की जो छठी आयत है, इसी को ही हम आज सीखेंगे। दोबारा से मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा है कि इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा दिया और सल्तनत उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादर अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। यही आज हमारा मौजू है और इसी के बारे में हम सीखेंगे कि वो किस तरीके से अजीब है, किस तरीके से वो मशीर है और खुदाए कादर उसको हम क्यों कहते हैं और अब्दियत का बाप हम उसको क्यों कहते हैं। अजीजो, मसीह यसु के लिए बहुत सारे सफारती नाम जो हैं वो भी सिफ्ती नाम, जिसको कहते हैं सिफ्ती नाम जो है वो बाइबल में इस्तेमाल किए गए हैं। इसी हवाले को आप मीका 5:2 में भी देख सकते हैं। सेम यही हवाला, इसी तरह से मिलती जुलती बातें वहां पर भी लिखी हुई है। तो ये खुदा की, मसीह यसु की सिफ्तें हैं जो यहाँ पर बयान की गई है और ये पेशन गोई की गई। आज से कुछ लोग कहते हैं, यहाँ पर डेट का थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है, कुछ लोग 710 सालों का डिफरेंस बताते हैं इस पेशन गोई का, कुछ 750 कहते हैं और कुछ 700 कहते हैं, मुख्तलिफ राय इसमें है। लेकिन 700 साल के बाद हम वो पेशन गोई को पूरे होते हुए देखते हैं, मसीह यसु की, मसीह यसु जब पैदा होते हैं तो इस पेशन गोई को हम पूरा होते हुए देखते हैं और इस चीज को हम महसूस करते हैं। तो कलाम में लिखा है उसका नाम अजीब मुशीर होगा। तो अजीजो, जब हम अजीब का इंग्लिश में तर्जमा देखते हैं तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वंडरफुल। सात अजूबे हैं ना, ठीक है, वंडर्स हैं। तो उसी तरह वंडरफुल जो लफ्ज है वो अजीब के लिए, उर्दू में हम इसको अनोखा कह सकते हैं और दुनिया से अलग थलग कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि वो अपनी सिफात की वजह से अलग थलग था। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं नए अहदनामे का, तो नए अहदनामे में हम एक तमसील देखते हैं जो कि मरकस की अंजील के 12वें बाब में है। हवाला ना देखिएगा, बस मेरी तरफ को, मैंने हवाला बता दिया, रूम में जाके पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर हम एक ठेकेदारों की तमसील देखते हैं, ठीक है जी। और वो ठेकेदार जो था उसको जब क्या करता है कि उसकी जब हम तमसील देखते हैं तो उस तमसील में हमें जो लुबे लबाब बताया गया है वो ये बताया गया है कि उसने अपने बेटे को भेजा, उसने उसको क्या किया, मारा कूटा और मार दिया।
दूसरे को भेजा मार दिया, तीसरे को भेजा मार दिया, और उसके बाद उसने फिर क्या किया कि उसने अपने प्यारे बेटे को भेजा। तो हम देखते हैं जब बनी इसराइल को, तो आपको पता है बनी इसराइल जो 40 साल का सफर करते रहे वो क्यों करते रहे? उसके पीछे एक रीजन थी, हालांकि वो सफर इतना लंबा तो नहीं था, बिल्कुल गरीब ही था। तो 40 साल का सफर वो इसलिए करते रहे क्योंकि जो 12 जासूस मूसा ने भेजे थे, और ये 12 जासूस हर कबीले में से एक एक को चुना गया था, और इनमें दो खुदा के लोग भी थे जो कि नई नस्ल के साथ उस मुल्क में पहुंचे भी थे। तो उन लोगों ने 40 दिन तक उस मुल्क की जासूसी की। तो 40 दिन की जासूसी करने के बाद जब वो वापस आते हैं तो क्या होता है कि वो गलत रिपोर्ट देते हैं, यानी अपने लोगों को डराते हैं, उनके दिलों को छोटा करते हैं, बुलंद नहीं करते। तो इस वजह से फिर खुदा ने बोला कि एक दिन के बदले एक साल, तो 40 साल वो व्यापार में घूमते रहे। और इन 40 सालों में अंबिया भी आए, बेशुमार अंबिया आए, और उसके बाद भी आए जब वो अपने मुल्क में बस गए, बेशुमार अंबिया आए। तो उन अंबिया को भी ये लोग कत्ल करते रहे और उन अंबिया की भी बातों को ये जुटलाते रहे। तो फिर इस तमसील का असल में मकसद ये था कि खुदा ने फिर अपने बेटे को भेजा, खुदा ने फिर अपने बेटे को भेजा। तो ये एक अजीब बात थी, पुराने जो अंबिया आ रहे थे उनसे ये एक अजीब बात थी, अनोखी बात थी जो खुदा ने अपने बेटे को भेजा। और मसीह यीशु के बारे में कलाम में एक और चीज भी लिखी हुई है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रात दिया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। असल में ये मिसल जो थी जब हैकल बन रही थी तो उधर से जो लोग मैसन का काम करते हैं वो इस चीज को ज्यादा बेहतर समझते हैं कि कोने के सिरे के पत्थर की क्या अहमियत होती है। हम लोग जब दीवार बनाते हैं ना तो एक चाल होती है डेली की, ठीक हो गया, और एक चाल होती है पौने की। जब तक हम पौना या डेली की चाल नहीं देंगे दीवार मजबूत नहीं हो सकेगी, क्योंकि उसके ऊपर जो ईंटें रखेंगे वो जोड़ आपस में सीधे आएंगे तो दीवार मजबूत नहीं हो सकेगी। तो जो डेली रखते हैं उसके लिए हम लोग इंग्लिश में, क्योंकि मैं सिविल से ताल्लुक रखता हूँ, तो जो डेली के लिए छोटे छोटे पत्थर के लिए जो कोने पे लगते हैं तो उसके लिए इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है क्वीन क्लोजर, क्वीन क्लोजर उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और जो बड़ा होता है कोना जिसको कहते हैं उसके लिए किंग क्लोजर लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो जब ये मिसल जो है ये अल्फाज मैं भी देखा करता था, और जब मैंने इसी तरह की पढ़ाई की तो ये मेरे लिए और ज्यादा मायने हो गया कि ये बिल्कुल ठीक बोला गया है कि वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। तो इस वजह से भी मसीह यीशु अजीब थे। हम आगे बढ़े, मसीह यीशु जो थे वो बेशुमार चीजों में अजीब थे, सिर्फ इन्हीं चीजों में अजीब नहीं थे कि बाकी अंबिया को कत्ल कर दिया गया, और ये हर चीज में उसकी पैदाइश जो थी मसीह यीशु की वो भी एक अजीब चीज, क्योंकि जब उनकी पैदाइश हुई थे बच्चों को कत्ल कर दिया गया कि शायद हो सकता है वो भी उसमें कत्ल हो जाए, लेकिन वो अजीब इसीलिए था कि उन बच्चों में से बच गया, और उसकी पैदाइश भी अनोखे तरीके से हुई, ये भी एक अजीब काम था, क्योंकि वो कुमारी से पैदा हुआ, इससे पहले किसी भी कुमारी से कोई बच्चा पैदा नहीं था हुआ जिसकी शादी हुई, ये भी एक अनोखी और अजीब बात थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो अजीब इसलिए भी था कि वो इंसान और खुदा का दरमियानी था। तो जब भी हम दुआ करते हैं तो मसीह यीशु को दरमियानी रखकर दुआ करते हैं तो वो दुआ हमारी कबूल होती है, इस वजह से भी मसीह यीशु अजीब थे। वो अपने करदार में अजीब थे, करदार में इसलिए कि वो जो कहते थे वो हो जाता था, वो जो कुछ भी कहते थे वो हो जाता था, और करदार में इसलिए भी वो अजीब थे कि उनमें कोई गुनाह नहीं था,
क्योंकि वो खुद अपने वचन में अपने कलाम में फरमाते हैं, कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके, वो इस चीज से भी पाक थे, इसलिए भी वो अजीब। जब हम इब्रानियों पढ़ते हैं, इब्रानियों 4:15 पढ़ते हैं, तो मैं खुद ही तिलावत कर लूंगा। तो यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार कहां नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी वो बेगुनाह रहा। इसलिए मसीह यीशु फरमाते हैं कि कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सके, तो इस बात में भी वो अजीब था। इस बात में भी वो अजीब था कि जिस मकसद के लिए वो आया था उस मकसद को उसने 100% पूरा किया, इस बात के लिए भी वो अजीब था। वो सताया गया, ठीक है जी, इस सताने के बाद भी उसको मुक्के मारे गए, उसको थप्पड़ मारे गए, फूका गया, उसने सब चीजों की बर्दाश्त की। जब हम यशाया 53 पढ़ते हैं तो उसकी 6 और 7 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, हम सब भेड़ों की मानत भटक गए, हम में से हर एक अपनी राह को फिरा, पर खुदावंद ने हम सब की बदकरदारी उस पर ला। खुदावंद ने हमारी बदकरदारी जो हमारे गुनाह थे उस पर लाद दिए, इसलिए वो अजीब था। इससे पहले भी तो कुर्बानियां होती थी, लेकिन वो उनको हर साल करनी पड़ती थी कुर्बानियां। लेकिन मसीह यीशु ने जो कुर्बानी दे दी उसके बाद हमें दोबारा कुर्बानी की हाजत ना रही, इस वजह से वो अजीब, वो बेशुमार चीजों में अजीब था। हम देखते हैं कलाम में, कलाम बड़ा पड़ा, वो अजीब, उसकी बातें अजीब थी, उसका पैदा होना और वो जो तमसीलें पेश करते थे, उसका कलाम जो था वो सारे का सारा अजीब था, क्योंकि वो आम इंसानों से भी अजीब थे। वो मुकम्मल इंसान और मुकम्मल खुदा थे, इस वजह से भी वो अजीब थे, क्योंकि वो जो कहते थे वो हो जाता। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसका नाम अजीब मशीर होगा, अजीब मशीर। तो अजीजो मशीर क्यों था? मशीर कहते हैं कि जिससे मशवरा लिया जाता है, मशवरा की जाती है, किसी भी बादशाह का उसका कोई ना कोई मशीर होता है जो कि बहुत ही अकलमंद आदमी होता है। अकबर बादशाह का भी मशीर था बीरबल, या हिंदू लोग किसी और को बीरबल कहते हैं लेकिन पाकिस्तानी जो है वो किसी और को कहते हैं, वो था उसका, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ है। तो मुशीर जो है वो मशवरा देने वाले को कहते हैं। तो मसीह यीशु ने अपनी जिंदगी में ही ये कह दिया था कि मैं तुम्हें पाक रूह अता करूंगा। तो जो पाक रूह थी वो हमारी मशीर थी उस वक्त से लेके अब तक, खाली से ये पढ़ा, वो हमारे साथ साथ है पाक रूह। हमें जो है पाक रूह जो है वो हदायत करती है, जब भी हमने हदायत और रहनुमाई मांगनी होती है तो वो पाक रूह से हम मांगते हैं, और यही हमारा मशीर है, क्योंकि खुदा बाप है, बेटा है और पाक रूह, तीनों सफात उसमें है। जब हम योहन्ना की अंजील और उसका 16 और उसकी 13 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन जब वो रूह हक आएगा तो तुमको तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा, इसलिए कि वो अपनी तरफ से ना कहेगा लेकिन जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आइंदा की खबरें देगा। हालेलुया। इसके अलावा दूसरा हवाला भी है यूहन्ना 14:26 में, जहां पर लिखा हुआ है, वो मददगार, मैं मशीर के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि हमारा मददगार है, यानी कि पाक रूह, जिसे हम मशवरत लेते हैं, जब दुआ करते हैं तो वो हमारे साथ साथ होता है, अभी भी जब हम इबादत में थे तो वो हमारे दरमियान में मौजूद था अपने वादे के मुताबिक, क्योंकि उसने फरमाया कि जहां 2 या 4, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनमें मौजूद होऊंगा। तो उसकी हजूरी को आज हमने महसूस किया है जब हमने, तो यूहन्ना 14:26 में लिखा हुआ है, वो मददगार तुमको सब बातें सिखाएगा
कि हमने जिंदगी कैसे गुजारनी है। लिखा हुआ कलाम में, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्स जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। ये पाक रूह ही है जो मसीह यसू की जो बातें हैं वो हमें याद दिलाता है। जब हम कलाम करते हैं तो मसीह यसू की जिंदगी के वाक्यात को बयान करते हैं ताकि हम उन वाक्यात से सबक, उन तमसीलों से सबक हासिल कर सकें। हम जब एक मिसाल पढ़ते हैं ना नए अहदनामे में, तो एक मिसाल थी कि एक मालक था, उस मालक के 3 मुलाजिम थे, उसने सबको तोड़े दिए थे, उसने सबको तोड़े दिए थे और 2 ने तो उन तोड़ों से डबल कर लिया और 1 ने तोड़ा जो था वो जमीन में दफन कर दिया था। जब मालक आए तो उसको मैं पूरा पूरा अदा करूँ क्योंकि वो तो वहां से भी काट, बाद में कहता है कि तुम तो वहां से भी काट लेते हो जहां से तुमने बोया भी नहीं होता, इसलिए मैंने वो थोड़ा नीचे गाड़ दिया था और संभाल के रखा था। तो अभी तो खुदा ने हमें भी तोड़ा दिया है और यही मशीर मशरत करने जिसे हम मशरत करते हैं यानी कि पाक रूह हमारी निगेबानी करता है। हम जब खुदा के कलाम के लिए हम एक कदम बढ़ते हैं बढ़ाते हैं तो खुदा हमारी तरफ 2 कदम बढ़ता है, वही पाक रूह वही मशीर, इसलिए वो मशीर है, वो अजीब है वो मशीर है। यूहन्ना 15 में लिखा हुआ है, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझको नहीं, तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है और तुमको मुकर्रर किया है। कैसी कैसी ग्रेट बात की है कि मैंने तुमको मुकर्रर किया है कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे ताकि मेरे नाम से जो कुछ तुम बाप से मांगो वो तुमको दे। हालेलुया, कलाम के लिए कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है और सिर्फ चुना ही नहीं बल्कि अपना मशीर भी हमारे साथ रखा है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ असल में ये जो है ना अजीब मशीर खुदाई का अदर अफजत का बाग बाप, इसके ऊपर अलग अलग से मजमून होना चाहिए क्योंकि ये लंबे टॉपिक हैं तो हम जब शॉर्ट बात करते हैं तो वो बात अधूरी थोड़ी सी रह जाती है और इसलिए मैं चाहूँगा कि मैं इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूँ क्योंकि ये 4-5 बातें हैं। तो अगली जो बात है वो हमने कलाम में पढ़ी थी कि वो खुदा, उसका नाम अजीब मशीर और खुदाए कादर हो। अजीजों खुदाए कादर वो क्यों था? वो बेशुमार चीजों में खुदाए कादर, हर चीज पर कुदरत रखता था। इंग्लिश में हम इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं माइटी गॉड, खुदाए कादर के लिए यानी बड़े बड़े काम करने वाला, ऐसे काम करने वाला जो कि पानी को मेह बना देता है। जब हम पुराना नया अहदनामा पढ़ते हैं ना तो नए अहदनामे में एक जगह पर हम देखते हैं कि उसने बेशुमार मुर्दों को जिंदा किया और वो हवाले भी हम जब जोइश कमेंट्री पढ़ते हैं ना बाइबल को, अगर खादमीन को बाइबल को समझना है तो यहूदी रवियों की कमेंट्री को पढ़ना बहुत जरूरी है जो लोग इल्मे इलाही को पढ़ते हैं, तो रायत शरीफ की उनकी ज्वेश कमेंट्री, उनके रवियों की कमेंट्री पढ़ी हुई है, उसको जरूर पढ़ना चाहिए ताकि वो हवाले जो है वो और ज्यादा खुलकर हमारे सामने आ जाते हैं। ठीक है जी। तो पिछले दिनों भाई ने एक बात की थी कि नूह के दौर में तो सब खत्म हो गए थे तो फिर ये जवार कहाँ से आ गए थे, तो ये ज्वेश कमेंट्री। ठीक है जी। क्योंकि जो सीड होता है, जो तुखम होता है, जब हम सीड को हम, ये तो बीज है ना, तो जब इसको हम इंसानी नस्ल देते हैं तो इसका तर्जमा नस्ल किया जाता है सीड, तो
जदीद लैंग्वेज में हम इसको, जो कि डॉक्टर हैं, इसको डीएनए भी कह सकते हैं। तो डीएनए जो है वो हजारों साल तक मरता नहीं है, वो रहता है। तो जो हाम की जो मिसेज थी उसके बारे में ज्यूइश कमेंट्री कहती है कि कनान की और हाम की जो मिसेज थी उसके डीएनए में वो चीज थी, इसलिए उस वक्त के जबार जो थे वो बड़े बड़े थे, उसके बाद छोटे होते गए, फिर छोटे होते गए, और एक वक्त ऐसा आया कि वो हमारे लेवल के हो गए। खुदा ने जो के बगाड़ को खत्म करना था तो खुदा ने एक मनसूबा बनाया है ना भैया। तो इस तरह हम देखते हैं वो खुदाए कादर है, वो हर चीज करने पर कादर है, बड़े बड़े काम करता है। उसने मुर्दों को जिंदा किया, इसलिए वो खुदाए कादर हम उसको कह सकते हैं। उसने अंधों को बनाई अता की, इसलिए वो खुदाए कादर है। गूंगों को जबान अता की, इसलिए वो खुदाए कादर है। जन्म के अंधों को भूखा और मट्टी सानी और उसकी आंख बना दी। जन्म के अंधे को शफा अता की। मुर्दों को हम पहले बयान कर चुके हैं, बल्कि सिर्फ यही नहीं, चार दिन के मुर्दे लाजर को भी जिंदा कर। रबियों की कमंटी जो हम पढ़ते हैं या उनके जो के हालात थे उसके मुताबिक चार दिन तीन दिन के मुर्दे को सिर्फ वही इंसान जिंदा कर सकता था जो कि खुदा, खुदा के अलावा ये काम और कोई कर ही नहीं। उनका कहना था कि तीन दिन में रोज जो मर जाता है ना उनकी उसकी रूह घूम किया जिंदा हो सकता है, चौथे दिन इसलिए खुदा ने लाजर को जिंदा किया। ये बयान करने लगा तो उनका ख्याल ये था कि तीन दिन तक वो रूह को उस जिस्म में डाल सकते हैं, लेकिन तीन दिन के बाद अगर कोई भी मुर्दे को जिंदा करेगा तो वो खुदा के अलावा और कोई। इसलिए वो खुदा का। आगे हम बढ़ते हैं, इसके अलावा भी बेशुमार उनके ऐसे मौजूदात हैं जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि वो कुदरत रखने वाले थे, खुदाई का आदर थे। नाइन शहर की बेवा के बेटे को भी उन्होंने जिंदा किया, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो जब धूपते हैं और धूप के मट्टी सान कर लगाते हैं तो मौजूदा हो जाता है। इसके अलावा उनको कोई छूता था तो मौजूदा हो जाता था, इसलिए वो खुदाई का आदर थे। बल्कि सिर्फ इसीलिए खुदाई का आदर नहीं थे कि उनको कोई छूता था, बल्कि वो भी जब किसी को छू लेते थे तो भी मौजूदा हो जाता था। अरे भैया, उसने पोशाक छुई थी ना, ठीक है जी, जब उसने पोशाक छुई तो ये उसका ईमान था। पिछले दिनों हम बात कर रहे थे दुआ के ऊपर, तो जब हम दुआ करते हैं तो मसीह यीशु ने तो हमें बोला है कि दुआ करनी चाहिए, सबके लिए करनी चाहिए, लेकिन जब हम दुआ भी करते हैं तो पहले उसकी मर्जी पूछना जरूरी है कि भाई क्या तू मसीह यीशु के ऊपर ईमान रखता है। एक शख्स का मसीह यीशु के ऊपर ईमान ही नहीं रखता तो हम उसके लिए दुआ करें? हाँ, उसकी सफाई जरूर कर सकते हैं। तो जब हम किसी के लिए दुआ भी करते हैं तो उसके लिए मसीह यीशु भी अपनी जिंदगी में, वो खुदाए कादर हैं, वो भी जब मौजदा करते थे तो उसे पूछते थे कि क्या मैं तेरे लिए करूं, तो क्या हम नहीं पूछ सकते? हमें भी पूछना चाहिए, तो हमें भी पूछकर दुआ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी दुआएं हैं जो कबूल होती हैं, बहुत सारी नहीं भी होती, और बहुत सारी कुछ देर के बाद होती हैं। पुराने नामे में यर्मिया नबी की मिसाल देखते हैं, यर्मिया नबी जब दुआ करने लगा था तो खुदा ने उसको रोक दिया था कि तू बनी इसराइल की मफरत ना कर, इसलिए ना कर, सातवें या आठवें में ठीक है पढ़ लीजिएगा ये वाला यर्मिया। तो वहां पर खुदा उनको रोकता है, और इस क्यों रोकता है? इसलिए रोकता है क्योंकि वो गुनाहगार थे, बुतों की परस्तिश करते थे और उनके लिए तपावन तैयार करते थे, इसलिए खुदा उनको मफरत करने से रोक देता, उनके लिए दुआ करने से रोक देता, ठीक हो गया। वो खुदाई का आदर है, जब हम उसे मांगते हैं तो मसीह यीशु जो कि दरमियानी है वो दरमियान में आ जाता है और हमारी जो दुआएं हैं वो कबूल होती हैं, क्योंकि हम उसके वसीला से मांगते हैं, क्योंकि वो खुदाई का आदर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। वो चीज जहां पर उसने बोया भी नहीं होता वहां से भी वो काट देता है।
हालेलुया आमीन। इसलिए वो खुदाई कर हमें कहा वाला पढ़ेंगे फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे। कुलसियों पहले बाप की 15-17 है, नहीं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मलूक। वो खुदाए कादर इसलिए है, एक ये भी मैं चीज आपको बताता हूँ कि जब कोई चीज भी बनी नहीं थी दुनिया पर तो वो खुदा के साथ था, क्योंकि योहन्ना पहला बाप और उसकी पहली से लेके जब आप अनवर्ड आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और फिर बाद में लिखा है कि सभी चीजें उसकी वसीला से पैदा हुई। ठीक है जी, तो ये चीज यहाँ पर भी वही चीज लिखी हुई है, लिखा हुआ है कुलसियों एक में कि वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है, क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें, हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वास्ते पैदा की। और आगे लिखा है कि वो सब चीजों से पहले है और सब चीजें उसमें कायम रहती है। अरे भैया, तो ये चीज है कि खुदा ने वो जो है वो खुदाए कादर है, हर चीज पर कुदरत रखती है, और जब हर चीज बन रही थी तो वो एक माहिर कारीगर की तरह साथ साथ हर चीज जो क्रिएट हो रही थी उन चीजों में वो साथ साथ। जब हम देखते हैं ना खुदाइश की किताब तो वहां पर जो गुनाह हो जाता है आदम और हवा से, तो आदम और हवा के गुनाह की वजह से क्या होता है कि इंसान और खुदा के बीच में एक दरार आ जाती है, एक पर्दादारी आ जाती है, यानी उसको एक वसीले की जरूरत पड़ती है इंसान को खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए। तो जब मसीह यस्सू की पैदाइश हो जाती है वो खुदाए कादर इसलिए भी है कि जब उन्होंने अपनी जान दी तो हैकल का पर्दा बीच में से फट गया ताकि इंसान और खुदा का रिश्ता डायरेक्ट हो सके। पहले हम किसी वसीले से जाते थे, कुर्बानियां पेश करते थे, फिर जाते थे अंदर, ठीक है, बहूर भी लेके जाते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन खुदा ने वो पर्दा ही फाड़ दिया ताकि वो जुदाई खत्म हो जाए। इसलिए वो खुदाई का आदर है क्योंकि वो हर चीज करने पर कुदरत रखता है, उसने हमारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया है और उसने हमारी मफरत के लिए सब कुछ सहा है, बल्कि उसने अपनी जान भी कुर्बान कर दी हमारी। आगे हमने पढ़ा था कि उसका नाम अजीब मुशीर खुदाए कादर, उसके बाद है कि वो अबदियत का बाप है। ये हर एक जो शिफ्ट है इसके ऊपर बहुत लंबा लंबा मजमून मौजूद है और इसके ऊपर बात हो सकती है, आज मैं बहुत शॉर्ट बात कर रहा हूँ। वो अबदियत का बाप है, यानी वो इब्तदा से था, पहले से वो मौजूद था। इंग्लिश में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है दी एवरलास्टिंग फादर, हमेशा रहने वाला बाप। कलाम में लिखा है योहन्ना एक एक में, जहां पर लिखा हुआ है योहन्ना पहले बाप की पहली आयत में लिखा हुआ है कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। ठीक है जी, और जो कुछ भी पैदा हुआ कोई चीज उसके वसीले के बगैर पैदा नहीं हुई, इसलिए वो अबदियत का बाप था, यानी कि जो कुछ भी पैदा हुआ वो उसके वसीले से पैदा हुआ। चुनाचे जब हम कुलसियों पहला बाप और उसकी 16-17 आयत देखते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्योंकि उसमें सब चीजें पैदा की गई, आसमान की हो या जमीन की, ये हवाला हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी,
देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासते, या हुकूमतें हो या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसके वास्ते पैदा हुई और वो सब चीजों से पहले था, उसमें सब चीजें कायम रहती हैं, क्योंकि वो सब चीजों से पहले था इसलिए वो अबदियत का हम जब अमेरिका की तारीख देखते हैं तो अमेरिका में भी जब हम तारीख को देखते हैं तो बहुत सारे लोगों को कौमों का बाप भी कहा गया, कौमों का बाप यानी कौम का बाप भी कहा गया है। तो अमेरिका की तारीख में एक शख्स ऐसा आया था जिसका नाम जॉर्ज वाशिंगटन था, शायद उनका सदर था ये। तो जॉर्ज वाशिंगटन को वो अपनी कौम का बानी या बाप इसलिए मानते हैं क्योंकि उसने जितने भी रियासतें थी उनको मुत्तहिद रखा। अमेरिका के झंडे में जो एक डब्बा सा है जिसमें आपको स्टार्स नजर आते हैं, वो उस डब्बे के अंदर ही इसलिए है क्योंकि वो मुत्तहिद है। मैं जब एक अमेरिकन कंपनी में काम करता था तो मेरा एक दोस्त था जैकब, वो अमेरिकन था, तो मैंने उससे ये क्वेश्चन किया था कि यार ये पहले तो स्टार थोड़े होते थे, अभी ये ज्यादा होते ही जा रहे हैं। वो कहते हैं जैसे जैसे अमेरिका की रियासतें बढ़ती जा रही हैं स्टार्स भी ज्यादा होते जा रहे हैं। तो ये स्टार्स जो थे वो अमेरिका की जो रियासतें थी उनको रिप्रेजेंट करते थे कि ये इतनी रियासतें हैं, तो जितने स्टार्स हैं उतनी अमेरिका की रियासतें हैं। तो ये जो शख्स था जॉर्ज वाशिंगटन, इसने सभी रियासतों को मुत्तहिद रखा था इसलिए इसको कौम का बाप माना। तो हम देखते हैं कि मसीह यस्सु जो हैं, मसीह यस्सु के बारे में भी पेशन गोई कदीम जमाने से मौजूद, कदीम जमाने से। तो मसीह यस्सु के बारे में हम देखते हैं कि बेशुमार पेशन गोईयां अंबिया ने की थी, ठीक है जी। और यही जो हवाला हमने पढ़ा है मीका 5:2, सॉरी यसाया 9:6 पढ़ा है, यही मीका 5:2 में भी सेम इसी तरह, ये भी एक पेशन गोई थी, ठीक है जी। और जो कौम का बाप होता है, हम बात कर रहे हैं अबदियत का बाप, तो जो एक कौम का बाप होता है या किसी का भी बाप होता है, वो चाहता है कि उसके बच्चों को पूरी खुराक मिले और हर वो सहूलत, हर वो चीज उसको मैसर आए जो कि उसको मिलनी चाहिए। तो मसीह यस्सु भी जो अबदियत का बाप है वो भी चाहता है कि हमारी जिंदगी में हमको वो सारी चीजें मिले। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि हमें भी तो उसकी तरफ कदम बढ़ाना है। ये नहीं है कि वो चाहता है तो हम उसकी तरफ से मुतनफर हो जाए, हमारा रुख दूसरी तरफ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि वो चाहता है कि हम उसमें रह कर आगे बढ़े, क्योंकि वो अबदियत का बाप है, वो अबद से था, पहले से मौजूद था, उसी की वजह से ये सारी चीजें बनी और उसने तो उसने हर चीज खुद क्रिएट की। ये कैसे, गलतियों 4:5 में लिखा हुआ है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ। क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक था वो क्रिसमस के हवाले से ही, ये क्रिसमस का ही टॉपिक इसको कह सकते हैं। लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मातहत पैदा हुआ, ताकि शरीयत के मातहतों को मूल लेकर छुड़ाए और हमको ले पालक होने का दर्जा, हमको ले पालक होने का दर्जा। वो अबदियत का बाप है। एक वक्त था उसने कौम बनी इसराइल की रहनुमाई की और कौम बनी इसराइल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया वो पेलोटा इस्तेमाल किया, कि बनी इसराइल जो है वो मेरा पेलोटा है। जब वो खुदा से मुनहरफ होके गुनाह पर गुनाह करते रहे तो पलोटे का हक, एक आयत जो बयान कर रखी है, पलोटे का हक उनको मिला जो उस पर ईमान रखते हैं, यानी मसीहियों को। हालेलुया। तो यहाँ पर
ये लिखा हुआ है कि हमको ले पालक होने का दर्जा मिला, यानी पलौने तो वो थे ही उसके, लेकिन हमको उसने चुन लिया क्योंकि वो खुदाए सब कुछ करने का था। इसके बाद आखिरी बात हम सीखेंगे सलामती का शहजादा। वो सलामती का शहजादा क्यों है इसके बारे में, सलामती यानी इसको इंग्लिश में हम प्रिंस ऑफ पीस भी इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो सलामती का शहजादा वो क्यों था, ये एक क्वेश्चन है आरे के जहन में कुछ ना कुछ बातें आ रही होंगी कि वो सलामती का शहजादा क्यों है। अजी तो जो पहले मैंने बात की कि जब आदम और हवा जो कि खुदा की हजूरी पे रहते थे, खुदा तीसरे पहर उनको मिलने आया करता था, खुदा उनके साथ रफाकत रखा करता था, जब खुदा और इंसान के बीच में एक दरार पड़ गई, तो मसीह यसु ही वो शख्स था, वो चुना हुआ इंसान कहने कामल इंसान कामल खुदा जो कि एक दरमियानी बन। इसलिए क्योंकि वो सलामती के लिए आया और उसने सलामती चाही और वो दरमियानी बन गया ताकि सुलह और सलामती कायम रहे। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि उसने हमें दुआ करना सिखाया। दुआ करना हम जब देखते हैं दुआए रबानी, ठीक है, उसने एक हमें टेम्पलेट दिया दुआ का, नमूना करना कि हम उसकी हजूरी में रहें। और हम लोगों को भी चाहिए कि हम एक दूसरे के लिए दुआ करें और दूसरों को दुआ करने सिखाएं भी जिस तरह मसीह यीशु ने हमें सिखाया। और मसीह यीशु की जो तालीम हमें मिलती है वो क्यों सलामती का शहजादा, वो अपनी तालीम की वजह से भी सलामती का शहजादा। मसीह यीशु की जब हम तालीम देखते हैं तो मसीह यीशु अपनी जिंदगी में ये फरमाते हैं कि वो हमें ये तालीम देते हैं कि हमें बर्दाश्त करना है, ना सिर्फ अभी बर्दाश्त करना है बल्कि आखिरत तक बर्दाश्त करना है। ये उनकी वो तालीम थी जो कि बहुत ही ओपन तालीम जिसको अक्सर हम लोग मिस कर देते हैं, बर्दाश्त करना, एक दूसरे को माफ करना है, ठीक है जी। तो दुआए रबानी जो थी उसमें उन्होंने हमें ये बताया है कि हमने एक दूसरे के गुनाहों की बख्शिश के लिए दुआ करनी है, ठीक है जी। और कलाम में ये भी लिखा हुआ है कि जिसके गुनाह तुम कायम रखोगे उसके गुनाह कायम रहेंगे और जिसके माफ करोगे उसके गुनाह माफ होंगे। तो उसमें हमें ये भी इख्तियार बख्शा। मसीह यीशु मत्ती की अंजील में कहते हैं इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ करेगा, और अगर आदमियों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी जो तुम्हारे कसूर माफ ना करेगा, तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। तो ये वो तालीम थी जिस वजह से हम ये कहते हैं कि वो सुलह और सलामती का शहजादा है। तो जब हम मसीह यीशु की पूरी जिंदगी देखते हैं तो उसमें से सुलह और सलामती, बल्कि सिर्फ यही नहीं, जब उनकी पैदाइश हुई थी तो एक फरिश्तों की जो एक वो ग्रोह था वो भी सुलह और सलामती का दीन था। वो कह रहे थे कि जमीन पर अमन हो और सलामती। ये जो सलाम और सलामती की जो रवायत थी ना, ये मसीह यीशु से ही शुरू हुई। उससे पहले भी वो हम एक दूसरे पर सलामती भेजा करते थे, ठीक है, जैसे कि पुराने जमाने में शलोम लफ्ज इस्तेमाल किया जाता था, शलोम अलैकुम, ठीक है, बाद में होता सलाम। अभी भी जब हमारे जो सूरी दोस्त हैं
वो देखते हैं, वो जब हमें सलाम करते हैं तो वो अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते और सलाम कहते हैं, वो हमें सलाम कहते हैं। तो जब हम इसका तर्जमा अरबी जुबान में करते हैं तो अस्सलाम वालेकुम इसका तर्जमा बनता है। तो ये रवायत जो थी इस्लाम में, इन्हों ये मसीह यसु को ही काफी करके इन्होंने अपने मजहब में शामिल किया, क्योंकि कुरान पाक में ये इस तरह के या हदीस में इस तरह के अल्फाज पहले से मौजूद नहीं थे, क्योंकि उन लोगों ने, वो खुद उनके उलमा कहते हैं कि हम मसीह यसु को इस हवाले से कॉपी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर सलामती देते हैं। अभी तो मसीह यसु ने अपने शागिर्दों को कहा था कि तुम पर सलामती, सलामती का चेहरा करता है। जब हम फिलिपियों चौथा बाब पढ़ते हैं तो यहां रसूल फरमाता है, मसीह यसु की तालीम के बारे में, उनकी जो तालीम थी, सलामती की तालीम थी, उस हवाले से रसूल फरमा रहा है, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, क्योंकि उसकी जो बातें थी, उसकी जो तालीम थी, वो सलामती बख्शता थी, क्योंकि वो अमन का शहदा था, सलामती का शहदा था, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। और जो बातें तुमने मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो, तो खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है तुम्हारे साथ रहेगा। जब हम इन बातों पर अमल करेंगे तो खुदा हमारे साथ रहेगा और सलामती हमारे। हालेलुया। आज के कलाम के वसीला से आपको आमीन।